फिलहाल हम लोग हैं मुंबई में और यहाँ से मुंबई भ्रमण स्टार्ट हो जाता है। कोशिश करेंगे हम लोग एक एक करके प्रत्येक टूरिस्ट स्पॉट को कवर अप करें। शुरुआत हुई है हमारी जर्नी एक ऑटो रिक्शा से। हेलो शुभ सौम्या, हेलो हेलो। कहाँ जाएगी उसके बाद लिखा फास्ट, कितने डब्बा के है? 12 डब्बा का है। अच्छा। फास्ट लिखा है, लास्ट में जल्द लिखा है, कुछ कुछ स्टेशन पर नहीं रुकेगी। ओके, दो चार जो था स्टेशन लोकल स्टेशन पर नहीं रुकेगी। आइए देखते हैं इसमें नीचे आ रही है। यस, आराम से। ट्रेन लौट गई है। अच्छा, ये फ्रंट वाला नहीं, अभी बहुत दूर में है अभी इधर से। उसके बाद फिर इन्होंने मतलब क्या किया, जब देश आजाद हुआ उसके बाद इन्होंने अपना यहाँ पे मतलब स्टेशन बना दिया ये। ओके, बोल ही रहे जब से आए तब से बोल। सही है, अभी कहीं मिलिए मिला होगा ना, कहाँ कहाँ डालना है ना, तो बोलते ही रहते कोई यहाँ पे ऐसे वहाँ पे वैसे ऐसे। नहीं, जरूरी है अपग्रेड करना चाहिए जो साथ में लोग हैं। और इधर जितनी भी गाड़ियाँ उस साइड की है मतलब सब ऑफिसर की पार्किंग है उधर। अच्छा। इसमें कोई काम रहा ऑफिस का पर्सनल डिपार्टमेंट सब ऊपर होता है मतलब उसमें काम। ओके, अभी तो फिलहाल धूप है, आई थिंक उतना परफेक्ट नहीं आएगा। जब शाम होगा, जब इस टर्मिनस पे इस टावर पे जब पूरी लाइट्स जलेंगी तो बहुत ही शानदार नज़ारा आएगा। और मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाऊंगा उसका। ओके, यहाँ पे कलर कोडिंग किया हुआ है। फ्रंट वाला एक और दो जो है उपनगरीय है और लास्ट का 14 से लेके 18 तक है मेल एक्सप्रेस के लिए। जितनी भी प्रीमियम ट्रेनें हैं सब यहीं से खुलेंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने जर्नी को। चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे हैं और बहुत ही चिलचिलाती धूप है। तो हमारी गैंग सन ग्लासेस पहन के प्रिपेयर हो गई है, पूरी की पूरी गैंग ब्लैक चश्मे में रेडी है, बड़े तो बड़े बच्चे भी। फिलहाल हम लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के बगल में ही वॉक कर रहे हैं। यहाँ का बहुत ही शानदार नज़ारा है और यहाँ पर देखिए एक डबल डेकर बस आ गई है। डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन लोग खड़े हैं बिल्कुल लाइन में बस को पिक करने के लिए, बस में जाने के लिए। हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसका हेडक्वार्टर है।
ये सामने वाला, ये भी महारानी विक्टोरिया का हिस्टोरिकल प्लेस है। अच्छा अच्छा, उसकी फोटो भी लगी हुई है। हाँ, और फिलहाल हम लोग आ गए हैं CST के मेन गेट के पास। यहाँ से बहुत ही शानदार नज़ारा आ रहा है दोस्तों, ये देखिए। ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे के स्वामित्व वाले इस भवन का निर्माण मई 1878 में आरंभ किया गया, जो मई 1888 में जाकर पूरा हुआ। विल्सन बेल मुख्य इंजीनियर तथा फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवेंस इस भवन के परामर्शी वास्तुकार थे। महारानी विक्टोरिया स्वर्ण जयंती वर्ष 1887 के दौरान इस भवन को विक्टोरिया टर्मिनस का नाम दिया गया। बाद में महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में मार्च 1996 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। जून 2017 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया। तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड के पास, यहाँ से हम लोग बस पकड़ते हैं और सीधे पहुँचेंगे गेटवे ऑफ इंडिया के पास। तो CST से गेटवे ऑफ इंडिया के लिए हमने टिकट ले लिया और टिकट की रेट है ओनली 30 रुपीज़। 5 लोगों का है 30 रुपीज़, यानी 6 रुपीज़ पर पर्सन, काफ़ी सस्ता है यहाँ पे सरकारी रेट, सरकारी बस का। एंड फाइनली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का शानदार नज़ारा रात्रि का, ये देखिए ऐसा लग रहा है मानो दिवाली आ गई हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। But I know it's not true. I wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning.